हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका डॉक्टर सतीश और वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। आज हम जानेंगे कटिंग से प्लांट कैसे उगा सकते हैं। ये पिटूनिया का कटिंग है, अभी मैंने फ्रेश कटिंग लिया है। पिटूनिया नहीं, कोई भी पौधा हो हम कैसे उगा सकते हैं। जैसे कुछ पौधे सीड से उग जाते हैं, कुछ पौधे हमें कटिंग से भी उग जाते हैं। तो कटिंग से हम कैसे उगा सकते हैं, कैसे उससे एक नया रूट्स लेकर आ सकते हैं, एक नया पौधा कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे शुरुआत में आप गार्डनिंग में हो, जैसे कि मैंने इस अपना टेरेस गार्डनिंग मेरा एक गिफ्ट मिला था तुलसी का पौधा, मैं अभी दिखाऊँगा। ये जो आप तुलसी का पौधा देख रहे हो, ये मुझे पहले गिफ्ट मिला था और उससे मेरा टेरेस गार्डन शुरू हुआ था। और आज आप देख रहे हो, ये मेरे एक टेरेस का पौधे हैं, दूसरे साइड है, ये ईस्ट फेसिंग है, दूसरा वेस्ट फेसिंग भी है। तो इतने सारे प्लांट्स, जब भी आप नर्सरी जाते हो आपको अच्छा लगता है, कभी आपने कोई पौधा बच गया है तो आप उसी की तरह और पौधा उगाने चाहते हो, कोई पौधा मर गया है तो आप एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट लेकर फिर से ज़िंदा करने के लिए और पढ़ते हो, और आर्टिकल्स पढ़ते हो, और यूट्यूब में वीडियोस देखते हो, और गूगल में सर्च करते हो, और एक्सपीरियंस वालों से बात कर फिर से एक नया पौधा लेकर आते हो। तो जनरली ये क्या होता है कि बाद में एक फैशन की तरह हो जाता है, एक एडिक्शन की तरह हो जाता है। जैसे कि ये मेरा वो मेरा क्रोसेंट्रा है, ठीक है। वो पहले मैंने पिंक कलर का एक सीड से उगाया था, फिर आप देख रहे हो उसमें येलो और आईसी ग्रीन कलर का है, ठीक है। फिर ऑरेंज भी लिया था मैंने। उस तरह बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है। जैसे कि ये कैलेंचो है, इसमें आप पिंक वैरायटी देख पाओगे, लाइट पिंक, येलो, फिर डार्क पिंक, डार्क रेड, ऑरेंज, कोई भी हो। जैसे कि आप शुरुआत में तो एक रंग लोगे, फिर आपको अच्छा लगेगा वो पौधा, फिर आप सोचोगे एक और रंग लेकर आता हूँ। हाँ, गार्डन में हर रंग के वैरायटीज़ मेरे पास हो जाना चाहिए, हर वैरायटीज़ हो जाना चाहिए। जैसे एक शॉपिंग आपको एडिक्शन होता है, उसी तरह आप बहुत सारे कलर्स लेकर लेने लगते हो। फिर ये सिलसिला इस तरह हो जाता है कि आप एडिक्टिव हो जाते हो, तो तब थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। जैसे कि आपने पहले 100 रुपये खर्चा किया, 100, 200, 300, फिर कोई रेयर वैरायटी के लिए आप इतना खर्चा करना कर लेते हो कि बहुत ज़्यादा पैसे। जैसे कि वो एक्चुअली वो पौधा 100 रुपये का होता है या 50 रुपये का होता है, लेकिन बहुत ही रेयर है और सामने वाला 300 का बेच रहा है, तो आप सोचोगे भी नहीं, ले लोगे, नहीं मुझे ये कलर चाहिए, मेरे गार्डन में ये कलर होना ही चाहिए, इस वैरायटी में ये रेयर है तो ये मेरा होना ही चाहिए। तो फिर फेसबुक में भी आपके ग्रुप्स बनेंगे, उसमें किसी के पास एक रेयरेस्ट कलर है। जैसे कि मैंने क्रोसेंड्रा भी येल्लो वैरायटी फेसबुक से ही लिया था, फेसबुक में मैंने अपने एक फ्रेंड से लिया था, उन्होंने पौंडीचेरी से मुझे पार्सल किया था। तो उस तरह जो भी रेयरेस्ट वैरायटीज़ होते हैं, आप उसको कलेक्ट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा कर जाते हो। तो इसीलिए कटिंग वैरायटी एक वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी है। जैसे कि ये पिटूनिया है, ये मैंने सीड से उगाया था, फिर मुझे अच्छे से फूल आया, फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, फिर मैं अपने ईस्ट वाले टेरेस गार्डन, वेस्ट वाले टेरेस गार्डन या घर के कहीं पर भी हो, 2-3 जगह पर मैं उगाना चाहता हूँ, तो बार बार मैं सीडलिंग या छोटे छोटे पौधे नहीं खरीदूँगा। इससे अच्छा है कि मैं कटिंग कर लूँ, थोड़ा उससे रूट आ जाए, फिर मैं हर जगह पर रख दूँ। तो ये वन ऑफ दी बेस्ट आइडिया है। देखो, बार बार मैं एडिक्शन बोल रहा हूँ, एडिक्शन का मतलब ये इतना बुरा एडिक्शन भी नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, उससे क्या होता है, उनका परिवार बर्बाद हो जाता है, उनका लाइफ भी स्पॉइल हो जाता है, कोई अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं, फिर घर आकर अपने बच्चों पर, अपने फैमिली मेम्बर पर गुस्सा करते हैं, मारते हैं, अपना लीवर भी डैमेज करते हैं, फिर अल्कोहल लेकर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। नॉट ओनली योर लाइफ, किसी और का लाइफ भी स्पॉइल कर सकते हो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो। देखो दोस्तों, अगर स्मोकिंग ये अल्कोहल इतना बैड नहीं है जितना ये टीवी में दिखाते हैं, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। देखो, स्मोकिंग आप किसी पहाड़ी इलाके में कर रहे हो जहाँ पर इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो इट्स नॉट दैट मच बैड थिंग। लेकिन वही आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, वहाँ पर एयर में पार्टिकल्स लेवल बहुत ही है, जो 10 पार्टिकल्स बोलते हैं, 2 पार्टिकल्स बोलते हैं, वो तो यहाँ पर इतना पोल्यूशन हो जाता है ठंड के समय में कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में।
स्पेशली हमारे नॉर्थ एंड इंडिया के जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर इतना पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है कि आपको सांस लेना ही दिक्कत हो जाता है, आपके लंग्स ऑलरेडी डैमेज हो जाता है, फिर आप स्मोकिंग करके खुद के लंग भी डैमेज कर रहे हो, बगल वालों का लंग्स भी डैमेज कर रहे हो। तो इट्स अ बेटर, उस तरह के एडिक्शन से बोला जाए तो ये बहुत ही अच्छा वाला एडिक्शन है। फिर भी आप इसमें भी थोड़ा पैसे कैसे बचाया जाए, जैसे कि ये अननेसरी का खर्च है, आप एक छोटा सा पौधा लोगे तो 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक लेंगे, वही आप एक कटिंग से अपने घर में ही कर ले रहे हो तो बहुत सारे पौधे होंगे, फिर आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई रेयर वेराइटी है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड मांग रहा है, आप प्लांट दे भी नहीं पा रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप अपने उसी दोस्त को अपने प्लांट के कटिंग से आपने नया रूट्स जो आ जाते हैं, नए प्लांट जो बन जाते हैं वो पौधा उनको दे दो, उनके पास भी कोई रेयर वेराइटी है, इस तरह गिफ्ट एक्सचेंज करते रहो। तो देखो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, ये लौकी नहीं खाता, ये तोरी नहीं खाता, ये टमाटर नहीं खाता, ये बैंगन नहीं खाता, ये आलू नहीं खाता, इस तरह बहुत सारे कंप्लेंट्स देते हैं पेरेंट्स। देखो आप कभी कभी ना बच्चों को समझना भी चाहिए, इससे अच्छा आप क्या करो कि ये एक सीड्स लेकर आ जाओ, कटिंग्स लेकर आओ, बच्चों को बोलो कि आप ये प्लांट उगाओ, फिर वो भी जानेंगे कि कैसे हम प्लांट्स उगा सकते हैं, फिर उससे जब फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, फिर सब्जियां बनेंगे, वो अगर वो खा रहा है तो वो ज़रूर लाइक करेगा खाने में, क्योंकि पहली बात है वो अपने हाथों से उगा रहा है, फिर वो अपने हाथों से नर्चर कर रहा है, उसको पानी दे रहा है, धूप दे रहा है, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर जब वो फल में कन्वर्ट होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा दिन वो वेट करता है, फिर वो कंपलसरी अगर घर में आप टमाटर उगा रहे हो बहुत ही आसानी से उग जाता है, आलू काफ़ी आसानी से उग जाता है, उस तरह आप देखो मैंने भी उधर आलू उगाया हुआ है, वो कैलेंचो डायंथस के बीच में था, पिंक और रेड के बीच में। इस तरह आप घर में उगा रहे हो तो बच्चे खाना शुरू कर देंगे, जो भी पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, आप ये एक वे है, ट्राई करो, मे भी सक्सेस हो सकते हो नहीं हो सकते हो, लेकिन मेरे बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो शुरू किया है, उन्होंने सक्सेस लिया है। साथ ही साथ बहुत सारे मेरे पास ओल्ड एज पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चों का शादी हो गया है, मेरे 2-3 बच्चे थे, शादी हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, अभी मैं 60 साल की हो गई हूँ, 70 साल की हो गई हूँ, अब लाइफ बोरिंग है, बस भगवान मुझे आराम से लेकर चला जाए, और उनका ना मतलब छोटा सा भी पेन हो, उनका दिमाग खाली है, लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टीवी देख रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, और बस झगड़ा कर रहे हैं, सास बहू की झगड़ा हो रही है, या फिर ऐसे ही खाली है घर में, तो अपने आप को डीमोरलाइज हो जाते हैं, उनके पेन्स बढ़ जाते हैं, उनका हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, बेकार के खाली दिमाग रखोगे तो दिमाग भी कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो उससे अच्छा आप भी गार्डनिंग शुरू कर दो, छोटे छोटे, जैसे कि आलू हो गया जो बहुत ही आसानी से उग जाता है, प्याज बहुत ही आसानी से उग जाता है विंटर सीज़न में, तो इस तरह के छोटे छोटे चीज़ों से स्टार्ट कर दो, फिर उसके रिलेटेड पढ़ो, फिर और उसमें वेराइटीज़ करो, आप सक्सेस भी मिलेगा, आप हेल्दी भी रहोगे। साथ ही साथ मुझे ये भी बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी झगड़े चलते रहते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग एम्प्लॉई है, कहीं जॉब करते हैं, जैसे कि कोई बॉस ने उनको डांटा, या आजकल कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है, हर दिन आपको अपना दी बेस्ट देना पड़ता है, फिर वहाँ से आप घर आ रहे हो, फिर घर में भी खिच-खिच हो रहा है, और घर में भी बोल रहे हैं कि बगल वाले के बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे के रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, और बगल वालों ने कार ले लिया, हमने कुछ भी नहीं लिया। तो वहाँ पर भी मैं बोलूँगा कि आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपके घर में कोई भी एम्प्लॉय कर रहे हो, आप कोशिश करो प्लांटिंग करो, और घर में आपके हस्बैंड आ रहे हैं या वाइफ ड्यूटी से आ रहे हैं, उनको बोलो कि हाँ आज हमारे खेत में आलू उगा है, हमारे टेरेस में आलू उगा है, प्याज उगा है, उसकी सब्जी बनाए, तो सामने वाला बंदा बहुत ही कूल हो जाता है, और घर में बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन चलते रहते हैं, आज गुलाब का एरोमा काफ़ी अच्छा था, आप एक बार अपना टेरेस जाओ सवेरे उठकर, काफ़ी अच्छा लगेगा, या रात को वो देख रहे हो रात रानी है जो हिल्स के नज़दीक है, तो वो भी रात को बहुत ही अच्छा खुशबू देता है, घर में आते ही आपको रिलैक्स हो जाओगे, ये गार्डिनिया है, ये भी रात को बहुत गंदराज बोलते हैं, ये भी रात को काफ़ी जास्मिन, रात को काफ़ी अच्छे खुशबू देते हैं, लेवेंडर अच्छे खुशबू देते हैं, आप टेरेस में जाते ही आप रिलैक्स हो जाओगे, आप सिगरेट के
जो लोग सिगरेट चूज़ करते हैं उससे अच्छा आप एक बार अपना टेरेस में आ जाओ, फ्रेश एयर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, फूल खिले होते हैं, उसकी खुशबू होते हैं, उससे आप बहुत ही स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। और कुछ लोग जो हेल्थ प्रॉब्लम से ऑलरेडी जूझ रहे हैं, जो डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, थायराइड से जूझ रहे हैं, जिनको और भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी हेल्दी ऑर्गेनिक डाइट खा रहे हैं। जैसे ओबेसिटी है, ओबेसिटी को आप हेल्दी ऑर्गेनिक डाइट दे रहे हो तो बहुत ही हेल्दी हो जाओगे। कोई भी किसान आपके लिए नहीं सोचेगा दोस्तों, जितने भी बाहर में ऑर्गेनिक का बोर्ड लगे होते हैं वो 100% ऑर्गेनिक नहीं होता। इंडिया में सिर्फ सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है और इंडिया में वर्ल्ड में भूटान ही एक ऑर्गेनिक कंट्री है। तो सोचो कितने बड़े बड़े कंट्रीज है लेकिन वहाँ पर ऑर्गेनिक नहीं है। इसराइल में कुछ हद तक इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो सिक्किम को भी वो नियरली बहुत ही टाइम लगा ऑर्गेनिक बनने में, वो एक दो दिन में ऑर्गेनिक नहीं बना, ठीक है, तो काफ़ी टाइम लगा उन्हें ऑर्गेनिक बनने में। तो इसलिए उस तरह अच्छा है कि बाहर आप पैसे वेस्ट करो ऑर्गेनिक के चक्कर में, आप घर में ही ऑर्गेनिक उगा लो। या फिर कुछ वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे बहुत चिड़चिड़े हैं, बहुत ही शैतान है, तो उनको भी बोलो गार्डनिंग करो, फिर वो रिलैक्स होंगे, उनको एक केयरिंगनेस आएगा। जैसे ये आप देख रहे हो जो रेड कलर के फूल हुए हैं, एशियाटिक लिली बोलते हैं, उसको नियरली 2-3 months लगते हैं कि बर्ड से फूल आने में, तो बच्चों को पेशेंसी लेवल भी इम्प्रूव होगा इस तरह। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो एडिक्शन तो बोल नहीं सकते, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है वहाँ आप ट्राई करो इस तरह करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कटिंग्स होते हैं, जैसे सॉफ्ट वुड कटिंग है, ये देख रहे हो, ये क्राइसैंथेमम है, वो सॉफ्ट वुड मतलब कटिंग से हो जाता है लेकिन वो सॉफ्ट वुड कटिंग के वैरायटी आता है। ये हाइड्रांजिया है, इसके फूल भी बहुत ही सुंदर होते हैं, ये भी कटिंग से हो जाता है। और ग्रीन वुड कटिंग, जैसे कि आप दालिया देख रहे हो, गार्डिनिया देख रहे हो, गंदराज, और यहाँ पर एक और है, वो मेरे को फैकल्टी ने एक ही पौधा दिया था, अब देखो कितना बुशी हो गया है, जास्मिन भी बोलते हैं। फिर सेमी हार्डवुड कटिंग भी बोलते हैं, जैसे एजेलिया हो गया, कैमेलिया हो गया, बहुत सारे नर्सरी में आपको देखने को मिलेंगे, गुलाब के फूल की तरह ही होगा। फिर हार्डवुड कटिंग में रोजेस भी आ जाते हैं, ये देखो कंपेनियन प्लांट्स। यहाँ पर पुदीना भी है, पुदीना भी मैंने एक ही पौधा लेकर आया था, फिर वो कटिंग से ही मैंने इतना सारा कर लिया, वहाँ पर मेरे वुडन बॉक्स में बहुत सारे कटिंग से हो गया था। फिर आप ये अजवाइन देख सकते हो, ये भी मैंने इंडो इज़राइल एक नर्सरी जैसा है, जैसे गवर्नमेंट का ही है, वहाँ पर खेती बाड़ी होती रहती है, तो वहाँ से मैंने परमिशन लेकर एक छोटा सा कटिंग लेकर रीता में रखा था, फिर अब देख रहे हो बहुत ही बुशी हो गया है। तो कैलेंचो भी हो जाता है डायंथस, जैसे कि ये कैलेंचो ही है, नीचे आप देख रहे हो छोटे से कप है, उसी कप में मैंने उगाया था, जैसे इस तरह के कप में, फिर वो अभी इतना बुशी इतना बड़ा हो गया। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, पहली बात है रूटिंग हार्मोन, वन ऑफ दी कंपनी है हार्मोडिन 3 बोलकर, कोई भी कंपनी का ले सकते हो, रूटिंग हार्मोन ले सकते हो या इस तरह का हनी भी ले सकते हो, ये देसी हनी है। और एक ट्रे ले लेना, ठीक है, ये लड्डू का ट्रे है, या इसका स्पेशल ब्लैक कलर के ट्रे भी आते हैं, या फिर आप प्लास्टिक ग्लास भी ले लो, या क्ले कप्स भी ले सकते हो, ये देख रहे हो क्ले कप्स। फिर कोई ब्रांड सेलेक्ट करो, ठीक है, और जब ब्रांड सेलेक्ट कर रहे हो तो कोशिश करो ये जो लेंथी पार्ट है इतना पार्ट आना चाहिए, तभी जाकर नीचे से रूट्स आएंगे। और ये फ्लावर्स तोड़ देना, और ये जैसे कि नए बर्ड्स आ रहे हैं वो भी आप तोड़ दो, ठीक है, यहाँ से तोड़ दो, एक दो पत्ते रख लो, और इतना बड़ा स्टेम्स ले लेना, और मेन प्लांट का स्टेम ही लो, ये साइड स्टेम है, इस तरह का कभी मत लेना, ये मेन स्टेम है, इस तरह का स्टेम ले लो, फ्लावर्स निकाल देना वरना खाना उसमें चला जाएगा। फिर आप पॉटिंग मिक्स जो होता है, जैसे कि सॉइललेस पॉटिंग मिक्स होता है, मैंने अपना एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उस तरह का पॉटिंग मिक्स बना लेना। ये इसमें जैसे कि मैंने कोकोपीट लिया हुआ है, वो वेट कोकोपीट है, पानी डालने के बाद। फिर आप रेता भी ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा पानी डाल देना, या फिर इस तरह के ग्लास भी ले सकते हो। फिर एक स्टिक लेकर बीच में गड्ढा बना लो, ठीक है, फिर उसमें अपना ये पौधा उगा लो, ठीक है।
थोड़ा अंदर तक कर लेना, ठीक है। पर इस तरह आप 15 से 20 दिन वेट कर रहे हो तो उससे बहुत ही अच्छे रूट्स मिल जाएंगे, नए नए रूट्स मिलेंगे, फिर आराम से कप से बाहर निकाल कर कोई बड़े गमले में शिफ्ट कर लेना। तो ये है दोस्तों कटिंग के बारे में। इस तरह का स्प्रे वाला यूज़ कर कर पानी बीच बीच में डालते रहना, ड्राई मत कर देना। तो ये है डेडिकेटेड कटिंग रिलेटेड वीडियो, आप इस तरह कर लो, बहुत ही आसान है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों।